आइडल 13 में आए विनीत कुमार का करियर बर्बाद हो गया था खुद नेहा की वजह से। वेल, आपको बता दें कि नेहा कक्कर ने खुद किया इस कारण का खुलासा। आखिरकार क्या हुआ था ऐसा विनीत के साथ जो कि विनीत का करियर अच्छा खासा डूब गया, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी तमाशा पर। वेल, आपको बता दें कि विनीत कुमार जो इस समय इंडियन आइडल 13 के ऑडिशंस में आपको नज़र आए हैं, ये दरअसल कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। विनीत इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रह चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे सॉन्ग्स को प्रेजेंट किया है, जैसे कि हुक्का बार जो कि खिलाड़ी 786, जलते दिए, प्रेम रतन धन पायो, उल्गा नगायगन, ये भी आपको बता दें ये दरअसल तमिल है, तीरथ मेरी तू, पुलिस गिरी 2013, ऐसे गाने गाने के बावजूद भी क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से विनीत सिंह को आना पड़ा इंडियन आइडल 13 में एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। वह आपको बता दें कि दरअसल विनीत सिंह 2005 में सारे गामा पा के रनर अप रह चुके हैं और इन्हें एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लेकिन 2006 में जब नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल सेकंड को जीता था तो उस समय नेहा की पॉपुलैरिटी जल्द से जल्द आगे बढ़ने लगी। नेहा को म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चांस मिलने लगा, वही चांस नहीं मिल रहा था विनीत कुमार को। और उसके साथ साथ विनीत सिंह नहीं संभाल पाए अपनी पॉपुलैरिटी, धीरे धीरे उनको नशे की लत लगने लगी जिसकी वजह से उनसे उनका करियर छूटता चला गया। वेल, अब आपको बता दें कि वह एक बार फिर से अपना करियर आजमाने के लिए पहुंच गए हैं इंडियन आइडल 13 में। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी तमाशा को करें सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।